हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईज़ के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी फेब मंथ की चल रही है। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करते रहते हैं साइड बाय साइड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है, तो देखेंगे हम लोग आज इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट की एक दो टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लाया जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्लान के बारे में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में भी बताया गया है, थोड़ी लेंथी है। तो चलिए आज एक ही आर्टिकल देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से लेकर 2026 तक है, तो 5 साल का ये प्लान है, जिसमें कि हमारे देश में जितने टर्टल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन प्लान लाया गया है। अब ये प्लान किसके द्वारा लाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो कि इस प्लान को रिलीज़ किए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस प्लान में है क्या। तो सबसे पहली बात है, जो कि आप भी समझ रहे हो, कि जितनी भी मैरीन टर्टल्स हैं उसको कंजर्व किया जाएगा, उनके रहने की जगह को कंजर्व किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि एक हेल्दी मैरीन इकोसिस्टम हो। यहाँ पे गोल है कि हम लोग स्पेसीज़ को कंजर्व करें, उनके हैबिटाट को, जो कि रहने का जगह है, उनको कंजर्व करें। साथ ही जो मैरीन टर्टल्स हैं उनको समझने का भी हम लोग इम्प्रूव करें, कि उनके रहने का जगह, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग भी उनके लिए हम लोग डेवलप कर सके, कि उनको उनका जो हैबिटाट है वो किस तरीके का है, वो कैसा रहते हैं, और कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि उनके बारे में डिटेल में, क्योंकि बहुत तरीके के आपको टर्टल्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टर्टल है और हमारे यहाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्टल है। तो अभी तो आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस एरिया में किस कौन कौन से टर्टल्स पाए जाते हैं। तो पहली इसकी एम यही है कि सबसे पहले हम लोग तो कंजर्व करेंगे, और सेकेंड है कि हम लोग समझेंगे उनके बारे में, साथ ही अवेयरनेस भी फैलाएंगे, एजुकेशन भी लेकर आएंगे मैरीन टर्टल्स और उनके हैबिटाट के लिए। साथ ही उनका जो लाइवलीहुड है, कोस्टल कम्युनिटीज़ का जो लाइवलीहुड है, वो हम लोग यहाँ पे इन्हेंस करेंगे। साथ ही नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे मैरीन टर्टल कंजर्वेशन को लेकर। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग को इस एक्शन प्लान में फुलफ़िल करना है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज देखने को मिल रहा है मैरीन टर्टल मोर्टालिटी का, इट मीन्स कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो टर्टल्स की डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे डायरेक्टली उनको मारा जा रहा है उनके शेल के लिए, बहुत तरीके की चीज़ों के लिए, खाने के लिए भी, या फिर इनडायरेक्टली भी वो मर जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेसन में ही हम लोग फोटो देखे थे, एक बार और देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये बेचारी जो टर्टल है वो यहाँ पे नेस्ट में फंस गई है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो नेट होता है ना, जिससे कि मछली फिश पकड़ते हैं, तो वो इस नेट में फंस चुकी है। तो ये इनडायरेक्टली इनका डेथ हो जाएगा, क्योंकि सफोकेशन के कारण ये इनको निकाल कौन पाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये एक क्लोज व्यू है जिसमें कि आप देख सकते हो कि इस नेट में ये फंस चुकी है, तो ये इनडायरेक्टली इनकी मोर्टैलिटी देखने को मिल रही है। और एक और है प्लास्टिक पॉल्यूशन का देन। ये देखिए, अगर ये ऐसा काम करेंगी, इस तरीके से प्लास्टिक कंज्यूम करेंगी, और अगल बगल भी आप देख सकते हो कि सिर्फ प्लास्टिक ही है, तो फिर ये कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम है इनकी मोर्टैलिटी की, तो इसको हम लोग कम करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और देखेंगे कि जो मरीन यहाँ पे टर्टल पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ उनको परेशानी है, किस किस ओशन में ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा है, प्लास्टिक की मात्रा है, तो वो चीज़ समझेंगे और उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी कि एक जगह नोट डाउन करेंगे। उनके रहने की जगह को भी हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ ज़्यादातर रह पा रहे हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको इनलिस्ट करेंगे। साथ ही हम लोग डिटरमाइन भी करेंगे, और बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका थ्रेट है ना, उसको हम लोग कम करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होगी उसको हम लोग यहाँ पे मीन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे। तो ये पहली ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है कि उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और रिहैबिलेट करना, यानी कि आप देखो कि मरीन टर्टल जो है उनकी जितनी भी पॉपुलेशन बची हुई है, एटलीस्ट उनको तो हम लोग प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें इस तरीके से कि आगे आने वाले दिनों में उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेसेसरी जो भी मेजर्स लेना है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहला जो उनका रहने का जगह है ना, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप देखो कि माइग्रेटरी कॉरिडोर होते हैं, बहुत सारे नेस्टिंग के लिए आप देखते हो कि ओलिव रिडले टर्टल जो है वो उड़ीसा के एक कोस्ट में आते हैं, वहाँ पर तो वो माइग्रेट कर ही आते हैं, और उनका नेस्टिंग बीचेस कहाँ है, कहाँ वो बच्चे वगैरह देते हैं, साथ ही इंटर नेस्टिंग कहाँ है, फीडिंग एरिया कहाँ है, तो ये सारे जो उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है इसको हम लोग देखेंगे। सेकंड है कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड और कंजर्वेशन एरिया को मैनेज करेंगे, और साथ ही साथ टेम्प्रेरी एक्सक्लूसिव जोन बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर इनका रहने का जगह है, नेस्टिंग एरिया है, फीडिंग एरिया है, वो सारे एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे इस तरीके से, चारों ओर से घेर कर, कि वहाँ पर कोई लोगों का आना जाना नहीं हो। साथ ही हम लोग इंसेंटिव्स देंगे, इट मीन्स कि वो सारे एरिया
को जहाँ पे भी उनके रहने का जगह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, साथ ही असेसमेंट भी किया जाएगा। इट मीन्स कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, आज के डेट में हमारे इन्वायरमेंट में 100 तरीके के आपको पॉल्यूशन देखने को मिलता है, गंदगी देखने को मिलता है, जिसके कारण कौन यहाँ पर झेल रहा है, तो इस तरीके के मैरिन एनिमल्स यहाँ पर झेल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है इनके ऊपर, इस चीज़ को भी एसेस किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बैन हुआ है जो यहाँ पे पॉइजनस केमिकल और एक्सप्लोसिव्स का यूज़ करने का, तो इसके एप्लीकेशंस को भी और स्ट्रेंथन करना है कि हमें इस तरीके की जो पॉइजनस केमिकल है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ आप देखो कि जो मेन स्ट्रीम यहाँ पे लेकर आना है टर्टल्स को, उनके हैबिटेट कंजर्वेशन को, साथ ही साथ यहाँ पे रिहैबिलिट भी करेंगे। इट मीन्स कि जो उनके रहने का जगह बर्बाद हो रहा है, आज के डेट में आप देखो कि बहुत सारे ऐसे टर्टल्स हैं जो कि पानी में भी आराम से रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी आराम से रहते हैं, तो उनके रहने का जगह ख़राब हो रहा है, तो उसको हम लोग को फिर से रिहैबिलिट करना है, यानी कि रीवेजिटेट करना है। साथ ही एप्रोप्रिएट तरीके से उनकी एरिया बनानी है जिसमें कि वो रह सके और वहाँ की जो लोकल फ्लावर्स होती है उसके साथ वो रह सके। साथ ही आप देखो कि यहाँ पर जो डिग्रेडेड कोरल रिफ्स है, यानी कि जितने भी कोरल रिफ्स यहाँ पर डिग्रेड हो चुके हैं उनको रिकवर करना है, मैंग्रोव्स एरिया को रिकवर करना है, सी ग्रास हैबिटेट को रिकवर करना है जहाँ पर ये सारे मेनली टर्टल्स रहते हैं, तो रिहैबिलिट किया जाएगा। उनके रहने की जगह जो बर्बाद होते जा रही है, धीरे धीरे घटते जा रही है, उसको हम लोग को यहाँ पे सही करना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग को समझना है मैरीन टर्टल इकोलॉजी और उनकी पॉपुलेशन को, और कैसे हम लोग समझेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ऑब्वियसली कि हम लोग उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग एक्सचेंज करेंगे, उस हिसाब से हम लोग टर्टल्स के बारे में ज़्यादातर समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करने वाले, तो ऑब्वियसली कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे मैरीन टर्टल के बारे में, उनके रहने का जगह के बारे में, कि उनको कैसा क्लाइमेट सही लगता है, उनको कैसी वेदर अच्छी लगती है, उनका कैसा सराउंडिंग्स होना चाहिए, कैसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। हर एक प्रोसेस के लिए वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, क्या ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डीप रिसर्च होगा, स्टडीज़ होगी, तब यहाँ पे समझ पाएंगे। साथ ही डेटा जो हम लोग कलेक्ट करेंगे उसको एनालाइज भी करेंगे बहुत बेटर तरीके से। साथ ही जो रेगुलर इंटरवल यहाँ पे साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज भी करेंगे, यानी कि नेशन के बीच में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बीच में, नॉन गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब के बीच में जितनी भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग डेवलप भी कर पाए और इम्प्लीमेंट भी कर पाए। साथ ही फोर्थ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के अवेयरनेस को बढ़ाना है, यानी कि आप लोग देखो कि आज के डेट में आप मरीन टर्टल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप लोग इसके बारे में अवेयर हो जाओगे, लेकिन वैसे लोग जो कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन आप लोग देखो कि गाँव वगैरह में बहुत सारे टर्टल्स होते हैं तो उनको कंजर्व भी नहीं किया जाता, लोग तो ऐवे ही छोड़ देते हैं, वो मर रहे तो मर रहे, जी रहे तो जी रहे, ऐसा नहीं करना है। लोगों को बताना है कि हमारे देश में जो मरीन टर्टल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को पढ़ाना है उसके बारे में, अवेयर करना है, साथ ही साथ जो है इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम भी लेकर आना है। इट मींस कि बताना है उनको कि नेशनल टर्टल मैरीन टर्टल डे भी एक डिक्लेयर करना होगा, तभी हम लोग अवेयरनेस फैला सकेंगे, क्योंकि आप देखो हर एक चीज़ के बारे में अगर लोगों को बताना है तो एक डे हम लोग सेलिब्रेट करते, बट ऐसा आज तक कोई भी नेशनल मरीन टर्टल डे नहीं है, तो इसको डिक्लेयर करना होगा किसी दिन, तभी उस दिन जो है हम लोग हर एक साल जो है इसका प्रोग्राम चलाते रहेंगे। साथ ही ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी देनी है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे एक अलग सा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देनी है, जिससे कि उनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो कंजर्व करने के लिए। जहाँ पे भी टर्टल्स होते हैं सबसे बेटर तरीका है कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी होते हैं, उनको हम लोग को इंगेज करना है, तो उनको इंगेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे उनके बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाएगा, लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। फिफ्थ यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें नेशनल, रीजनल और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको इन्हांस करना है, और इसके लिए हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करेंगे कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को हम लोग प्रमोट करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। साथ ही जो कंजर्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए कानूनी तौर पर कंजर्वेशन करेंगे, इट मीन्स कि एक लेजिस्लेटिव फॉर्म में अगर हम लोग कंजर्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो दीज आर द फाइव ऑब्जेक्टिव्स, और हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो यहाँ, तो आइए अब देख लेते हैं मैरीन टर्टल्स का इंडिया में क्या हिसाब किताब है, हमारे देश में कितने तरीके के पाए जाते हैं। बट आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा और बहुत खुशी भी होगी कि हमारे देश में सारे जीव जंतु के साथ साथ टर्टल्स भी है। सी टर्टल्स है जो कि फाइव स्पेसीज हमारे भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले है ऑलिव रिडली, और इनका शुभ नाम भी आप लोग देख सकते हो और अपने हिसाब से आप लोग प्रोनाउंस कर लो, मैं तो नहीं करने वाली। सेकेंड है यहाँ पर ग्रीन, थर्ड है यहाँ पे हॉक्सबिल, एंड फोर्थ वन इज़ लेदर बैक, एंड फिफ्थ वन इज़ लॉगरहेड।
सो लेदर बैग भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि अंडमान निकोबार में पाया जाता है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ऑलिव रिडले हर साल न्यूज़ में रहते हैं, और इसलिए न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि इंडिया में आप देखो लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग पॉपुलेशन है। नेस्टिंग पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हो ना कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती फिर वहीं अंडे देते हैं, तो ये टर्टल्स भी ऐसे ही है कि वन ऑफ द फेमस प्लेस गहीरमथा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप उड़ीसा में देखोगे वहाँ पर बीचेज़ है, तो वहाँ सारे टर्टल्स पहुँचते हैं और अपना एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इतना एरिया ये टर्टल की है, तो वो यहाँ पर नेस्टिंग करेंगे यानी कि अंडे देंगे और फिर वो वहाँ पर रखेंगे। तो ये वाला काम होता है ऑलिव रिडले टर्टल्स का, तो हमारे भारत में सबसे बड़े पैमाने पे होते हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम लोग मैरिन टर्टल्स का देखें तो मैरिन टर्टल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग आज के डेट में उनके लिए कंजर्वेशन विजन पढ़ रहे हैं। तो मैरिन टर्टल्स जो है इनको फ्लैगशिप स्पेसिस कहा जाता है, इट मीन्स कि आप देखो कि बहुत सारे और भी ऐसे मैरीन हैबिटाट है जो कि ये क्रिएट करते हैं, जैसे कोरल रीफ्स है, सी ग्रास मेडो है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है जहाँ पे ये टर्टल्स भी रहते हैं, इनके एक हैबिटाट भी है। ठीक है, साथ ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीडेटर्स और जो प्रे स्पीसीज है उनके बिहेवियर को शेप करने में। प्रीडेटर्स कहने का मतलब है कि एक एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल को मार के खाते, तो इनके बिहेवियर को शेप करने में भी मैरिन टर्टल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ इकोलॉजिकल रोल भी है इनका, इट मीन्स कि जो प्रे पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करते हैं, कोस्टल वेजिटेशंस को ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि अगर जहाँ पे भी मरीन टर्टल होते हैं ना, एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि वहाँ पे हेल्दी मरीन इकोसिस्टम है, और एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को मिलता है यानी कि टूरिज्म वगैरह के थ्रू, जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं उनको देखने के लिए, तो एक यहाँ पर आप देखो कि टूरिस्ट भी बढ़ता है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, और उस जगह को हम लोग हेल्दी मरीन इकोसिस्टम भी एक इंडिकेटर है इनके रहने का। तो ये इंपॉर्टेंस है इनकी, तभी हम लोग इनको कंजर्व करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश में जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किया गया, तो सबसे पहले जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत पांचों स्पीसीज को शेड्यूल 1 में रखा गया यानी कि हाईली प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा देखें तो मैरीन टर्टल्स को एज वन ऑफ द 22 स्पीसीज के तहत इनको रखा गया है जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कंजर्व करने के लिए। और ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो इनके अंदर मरीन टर्टल्स को इंक्लूड किया गया है जिसको कंजर्व करना ज़रूरी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब है कि जो फंड इस स्कीम के लिए दिया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सॉरी कंट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। साथ ही इंडिया के द्वारा आप देखो कि इंपॉर्टेंट सी टर्टल को, जो इंपॉर्टेंट सी टर्टल नेस्टिंग हैबिटाट है ना, उसको आइडेंटिफाई किया गया है इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ इंडिया, और इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन जो फर्स्ट है ना उसके तहत इसको इंक्लूड भी किया गया है, यानी कि इनके रहने की जगह को, नेस्टिंग जो यहाँ पे हैबिटाट है उनको यहाँ पे जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है फर्स्ट में इसको इंक्लूड भी किया गया है। तो ये हमारे यहाँ कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स है जो कि लिया गया है। तो ये तो बात हुई, अब देख लेते कि इंपॉर्टेंट जो मरीन टर्टल है उनका रहने का जगह हमारे देश में कहाँ है। तो सबसे पहले ऑलिव रिडली है जिनका रहने का जगह आप देखो उड़ीसा है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड है, आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी है, तमिलनाडु है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है। तो सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में आप देख सकते हो कि ऋषिकुलिया और गहीरमथा रिवर है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, देवी रिवर है, तो ये भी ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार में देखें तो ये बहुआ है और कियांग बीचेज़ है जो कि लिटिल निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा, कुडबर्ट बे है जो कि मिडिल अंडमान में है, लक्षद्वीप आइलैंड में देखें तो ये आपका शुहेली आइलैंड में है, आंध्र प्रदेश में देखें तो गोदावरी रिवर माउथ में पाए जाते हैं, और बीचेस जो कि कृष्ण रिवर है, पेनरू रिवर माउथ है वहाँ पाए जाते हैं, साथ ही बहुधा रिवर माउथ में भी पाए जाते हैं। पुदुचेरी की बात करूँ तो ये आपका नलावदू, पानीटीटू और नारामी नरम्बी और यहाँ पे मूर्तिकूकम जो यहाँ पे विलेज है उसमें पाए जाते हैं, और जो यहाँ पे अरासल जो रिवर के अगल बगल जो बीचेस है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तमिलनाडु में आप देखो तो गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है और चेन्नई कोस्ट है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। गुजरात में बात करें तो वेस्टर्न सौराष्ट्र वाला जो रीजन है जहाँ पे जूनागढ़, जामनगर है, पोरबंदर है वहाँ पे। महाराष्ट्र में आप देखो तो ये रायगढ़ और रत्नगिरी है यानी कि यहाँ पे सिंधुदुर्ग जो कोस्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं। गोवा की बात करूं तो गालगीबाग जो बीच है वहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख लिए कि जो ऑलिव रिडली है वो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेदर बैग की बात करूं तो ये अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं और ये अभी न्यूज़ में भी थे। ये आप देखो कि गलाथे बे, इंदिरा पॉइंट, हिंगलोई, अलेक्जेंड्रिया, डगमार, रहनोंग बीच जो कि ग्रेटर निकोबार आइलैंड में, ये लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है हमारे भारत में।
तो नेस्टिंग ग्राउंड कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये अपने बच्चे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुआ है और वेस्ट बे है, जैक्सन क्रीच बीचेस है एंड कटहट बे है जो कि मिडिल अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है, लिटिल निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। तो ये सारे बीचेस वगैरह कभी नाम याद रखिएगा, क्या पता किसी और एंकल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थर्ड यहाँ पे हॉक्सविल है, तो हॉक्सविल भी अंडमान है निकोबार में, ये भी आपका बहुआ में आ गया, कटबल्ट बे में आ गया। साउथ रीफ आइलैंड है जो कि मिडिल अंडमान में, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, सुहेली आइलैंड में। ग्रीन की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में। तो अंडमान एंड निकोबार का तो सेम है, लक्षद्वीप में भी सुहेली आइलैंड अगेन है, लेकिन लगूनस ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है। तमिलनाडु में भी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है और गुजरात में भी वेस्टर्न सौराष्ट्र कोस्ट है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये सिंधु दुर्ग जो कोस्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि अंडमान एंड निकोबार में आपके जो पांचों तरीके के, ये तो चार तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर टाइप्स के हैं वो सब अंडमान निकोबार में आपके पाए जाते हैं। तो ये कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप में भी तीनों पाए जाते हैं, लेकिन लेदर पैक जो है ये ओनली अंडमान निकोबार है, उसके अलावा बाकी जो तीन बचा आपका तो वो लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लॉगर ब्रेड के बारे में नहीं बताया गया है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं। देख लेते हैं रिसेंटली और क्या क्या न्यूज़ है इससे रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक मेरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस लाया गया है। यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि 9,000 से 10,000 जो किटाशियंस है वो यहाँ पे आपका बाइकॉट हुए हैं एनुअली, और वो भी इंडिया में कहाँ से, तो मैकेनाइज्ड वेसल्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे हम लोग कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर पाएंगे, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी है उनके बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये गाइडलाइन है जिसमें कि किस तरीके से मैरीन जो मेगा फौना है, स्टैंडर्ड है, उसको यहाँ पर मैनेज करना है उसके बारे में रखा गया है। साथ ही स्टेप्स क्या क्या लिया जाएगा कि सबसे पहले हम लोग लाइव डेड जो स्ट्रैंडिंग है बीचेस में वो यहाँ पर हैंडल करेंगे, बाइक कैच है और साथ ही स्टैंडर्ड है, इंटेंगल्ड एनिमल है। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक गाइडलाइन लाया गया है जो कि मैरीन मेगा फौना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइन है। एक्चुअली यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि 9,000 से जो 10,000 सिटेशियंस हैं वो बाइकॉट होते हैं एनुअली, और वो भी इंडिया में और मैकेनाइज्ड वेसल्स में। तो ये कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे वेसल्स होते हैं सी में जो कि आपका आना जाना होता है, तो बहुत सारे उन शिप्स वगैरह की वजह से भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे सी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं जो पानी में, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पर रोकने के लिए, इनको इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर आपका लाया गया है। साथ ही साथ गाइडलाइंस क्या है कि यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया गया कि कैसे हम लोग जो मैरीन मेगा फौना है उनको हम लोग मैनेज कर सके। साथ ही साथ अगर देखें तो स्टेप्स हैं यहाँ पे कि कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि लाइव और डेड स्टैंडिंग जो है वो बीचेस में देखा जाएगा, इंटेंगल्ड यहाँ पे जो एनिमल्स है वो यहाँ पे हैं, और स्टैंडर्ड और इंटेंगल्ड एनिमल जो कि बोर्ड ऑफ विजल्स में और बोट में होते हैं, तो इस तरीके से ये काम किया जाएगा। मैनेजमेंट एक्शन भी दिया गया है कि नेशनल स्टैंडिंग सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा जो कि एक नेशनल लेवल पे मेंटेन करे सारे मैनेजमेंट सिस्टम को। साथ ही यहाँ पे स्टेट स्टैंडिंग सेंटर भी होगी, यही चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्टैंडिंग नेटवर्क भी होगी कि लोकल गवर्नमेंट भी जो है इस चीज़ पर फोकस करे। नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा कि हमारे यहाँ जो मैरीन मेगा फौना है वो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो सके। जैसे आप लोग देखो कि डॉल्फिन, वेल, डुगोंग, टर्टल्स, वेल, शार्क जो इंटेलिजेंट है, इन सब के लिए यहाँ पर ये आपका इंतज़ाम किया जा रहा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एक बार मैं फिर से आपके लिए, अच्छा यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि थ्रेड्स क्या है, ऑनशोर और ऑफशोर दोनों देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग ऑनशोर की बात करें तो नेचुरल यहाँ पे कॉजेज़ हैं, जैसे आप देखते हो कि उनके इरोज़न हो रहा है, यानी कि वो जो पानी के साथ साथ आपका जो मिट्टी है वो बह के चला गया, शिफ्टिंग होता है। साथ ही बहुत सारे साइक्लोन के कारण भी बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें वन ऑफ द जीव जंतु में आपका ये मैरीन टर्टल्स भी आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ते जा रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, उसी में आप लोग देखो कि इनकी नेस्टिंग एरिया जो है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है, नेस्टिंग एरिया जहाँ पे ये अंडे वगैरह देते हैं। तो इरोजन के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, साइक्लोन के कारण हो रहा है। साथ ही एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज अगर देखें तो इसमें आप लोग देखो कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं, सैंड माइनिंग कर रहे हैं, कॉस्क्योरेना है, तो ये सारे कुछ एंथ्रोपोजेनिक हमारे कॉजेज है, ठीक है। तो ये सारे ऑनशोर में है, यानी कि आप देखते हो कि तटीय क्षेत्र में।
कोस्टल डेवलपमेंट में अगर देखें तो इससे डिस्टर्बेंस और यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि जो नेस्टिंग एरिया है यहाँ पे मैरिन टर्टल्स का, तो वो यहाँ पे बर्बाद हो रहा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। पॉल्यूशन आप देखो तो लाइट पॉल्यूशन है, मैरिन पॉल्यूशन है। मैरिन पॉल्यूशन में आप लोग कचड़े भी कह सकते हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कह सकते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम है। ऑफशोर में अगर हम लोग देखें तो बाइकैच है, यानी कि फिशिंग रिलेटेड जो मोर्टैलिटी है, जो अभी मैं बताई ना कि फिशिंग के नेट में ये सारे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनकी उससे इनकी डेथ हो जाती है। ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये आपका माइनिंग वगैरह होता है। पॉल्यूशन जो है ये वन ऑफ द मेन कॉज है, मैरिन पॉल्यूशन जो है वो इसमें आपको कचड़े वगैरह देखने को मिलते हैं, डेब्रिस है, जैसे एक अभी फोटो दिखाई ना जो यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया के अगल बगल पूरे बॉटल्स है, कचड़े है। लेकिन वहीं अगर हम लोग पॉल्यूशन की बात करें ऑफशोर यानी कि पानी वगैरह में, तो यहाँ पर आपका प्लास्टिक कचरा है, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चौक हो रहे हैं। नेस्ट प्रिडेशन में अगर हम लोग देखें तो नेस्ट प्रिडेशन जो है वाइल्ड प्रिडेटर्स के द्वारा, यानी कि ये जो बच्चे वगैरह देते हैं इनका जो अंडा होता है वो यहाँ पे आप देखो जैकल हो जाते हैं, वाइल्ड पिग है, जो कि इनके बच्चे को भी बहुत तरीके से क्षति पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑनशोर और जो ऑफशोर थ्रेट है, ये दोनों तरीके का आपको जो है ना परेशानी देखने को मिलेगा हमारे मैरीन टर्टल्स के लिए। सो ये पूरी डिटेल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक देख लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात की जा रही है मैरीन टर्टल्स को लेकर, और उनका जो रहने का जगह है इंडियन ओशन में और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया अगर देखें तो ये सिग्नेटरी है, इट मीन्स कि ये जो हमारा है यहाँ पे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैरीन टर्टल्स, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है 2021 से 26 तक। इसका एम यही है कि हमारी जो ये मैरीन टर्टल्स का पॉपुलेशन है उसको रिकवर करना है। 6 स्पीसीज इसमें रखा गया है, एक तो है लॉगर हेड जो कि हमारे भारत में पाया जाता है, सेकेंड वन इज़ ऑलिव रिडली, इट इज़ अगेन इन इंडिया, ग्रीन इज़ अगेन हेयर, एंड लेदर बैग भी है, लेकिन ये फ्लैट बैग है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। इसकी डेटा डेफिसिट देखने को मिलती है, डेटा पूरी तरीके से नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे इसके बारे में ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। बट यहाँ पे कोई बात नहीं, ये IUCN की रेड लिस्ट में इन सब का बताया गया है कि क्या यहाँ पे कैटेगरी है। तो आपका लॉगर हेड का वल्नरेबल है, ऑलिव रिडली वल्नरेबल, ग्रीन इंडेंजर्ड, हॉक्सबिल यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेदर बैग वल्नरेबल, एंड फ्लैट बैग के बारे में डेटा नहीं है। ठीक है, आप देखो ये जो आपका MOU साइन हुआ है, इसमें वाटर्स एंड कोस्टल स्टेट जो इंडियन ओशन के हैं और साउथ ईस्ट एशिया और एडजेसेंट सी के हैं, इन सब में ये अप्लाई होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो ये आपका डॉक्यूमेंट है सबके लिए, और ये जो प्रोग्राम है ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इम्प्लीमेंटेशन पर्पज़ क्या है कि एरिया को यहाँ पे चार सब रीजन में डिवाइड किया गया है। एक तो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और कोरिया आते हैं, US भी है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, और नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन है, वेस्टर्न इंडियन ओशन है। ठीक है, तो चार पार्ट में इसको डिवाइड करके यहाँ पे आपका इसको मैनेज करने के लिए रखा गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, जो कि 5 साल का अभी चलने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं से भी अगर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन इस टेबल से बन सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मेंस में आए तो आपको अपने आप से ही ये सारे इन्फॉर्मेशन को कोट करने होंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो कमेंट करना ना भूले, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।